ब्रह्मा गुरुऋष् जननीने जन्म कोई जन जावे मरे नहीं है और चला जाता है वह परमात्मा नहीं है जिसका जन्म होवे और जो मर जावे वह परमात्मा नहीं है किसी जननी के गर्भ से कभी पैदा नहीं हुआ कोई सृजनहार दर्शन और ना आश्रमों के नियम को पालन करने से उसको जाना जा सकता है फिर लोगों की कल्पनाएं चल पड़ी अच्छा जी दिखेगा भी नहीं आवेगा भी नहीं जब ही नहीं तो देखेंगे कैसे उसको जब परमात्मा दिखे गई नहीं आए गई नहीं किसी गर्भ से जन्म ले गई नहीं तो वो दिखेगा भी नहीं जब दिखेगा ही नहीं तो हम उसके बारे में कल्पना क्या कैसे कर करें हम उसको भाव कैसे करें हम उसे याद कैसे करें तो यहाँ आकर के मनुष्यों की कल्पना चलने लग गई किसी ने कहा वो ज्योतिष स्वरूप है आंख बंद कर भीतर ज्योति देख जिस दिन ज्योति दिख गई जान ना ब्रह्म दिख जाएगा किसी ने कहा वह तो ओम स्वरूप है अच्छा तो आंख बंद करके लगे ओम की फोटो आंख के आगे लाने और सोचते हैं जिस दिन आ गई और टिक गई उस दिन मिल गया परमात्मा लेकिन ना धरती ना गगन में ना पवन में ना पानी में ना रवि माने सूर्य में और न ही वो चंदा के रूप में है अब कैसे ढूंढोगे उसको किसी ने बोला आंख बंद कर अगर भीतर तारा दिख गया तो जानना तेरा रास्ता खुल गया किसी ने कहा आंख बंद कर भीतर ज्योति दिख गई तो ये ज्योति परमात्मा की है हमारे कबीर साहब तो हंसते हैं कहते अगर प्रकाश वो है तो अंधेरा कौन है तुम्हारा बाप अंधेरा क्या वो नहीं है लेकिन मनुष्य की बुद्धि उलझ के रह गई कौन है कौन है परमात्मा तो कोई कहता आंख बंद करो भीतर चांद दिख गया तो समझो मिल गया परमात्मा किसी ने कहा ज्योति दिख गई किसी ने कहा सूर्य दिख गया किसी ने कहा रोशनी की लंबी लाइन दिख जाएगी बस समझ लेना अब तो तुमको परमात्मा का द्वार दिखा ही दिखा और हिंदुस्तान में ऐसे कई एक संप्रदाय हैं जिनमें ऐसा उपदेश दिया जाता है और उनके चेले चेलियाँ आंखें बंद करके वो अंदर रोशनी ढूंढते ही रहते ढूंढते ही रहते ढूंढते ही रहते अरे प्यारे रोशनी तब हुई जो सूर्य हुआ जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ रोशनी नहीं है अंतरिक्ष में जाइए देख लीजिए अन्यथा किसी जोग्राफिक चैनल की किसी डिस्कवरी चैनल की कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हो स्पेस ट्रैवल की देख लीजिए जहाँ सूर्य नहीं वहाँ तो अंधकार है अगर परमात्मा मात्र सूर्य रूप हो तो फिर जहां जहां अंधकार है और ज्यादा अंधकार ही है सब जगह में तो मैंने वहां वहां तो परमात्मा ही ना हुआ चांद है अगर वो तो चांद को तो दाग लगते हैं प्यारे घटता 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 अमावस्या में चला जाता है फिर बढ़ता 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 पूर्णमासी की ओर तो जो घटे और बढ़े क्या वो परमात्मा है तुम ऐसे को परमात्मा मानते हो थोड़ी बुद्धि लड़ाओ प्यारे कबीर साहब कहते हैं है प्रगट पर है तो वो प्रगट से नहीं दिखेगा सैन सहारा हो सैन माने इशारा ये गुरु इशारा जब देगा तो पहचान आएगी है सामने लेकिन फिर नहीं दिखता है प्रगट लेकिन फिर नहीं दिखता वहां पर सिर्फ सदगुरु का इशारा लेकिन एक चीज याद रखिए इसके पहले कबीर जी ने जो बोले वचन वो याद रखना अब कोई कहे मैं हूं तो गुरु कहे मैं हूं तो सदगुरु और तुम्हें कहे अंदर चांद देखो रोशनी देखो ज्योति देखो सूरज देखो तारा देखो तो उस समय पर समझ लेना ये हमारे गुरु जी किन चक्कर में पड़ गए हैं ये चांद सूरज चांद ज्योतियां दिखाने के चक्कर में छह ज्योतियां दिखेंगी पहले ये रंग की फिर ये रंग की फिर ये रंग की ज्योतियों को देखने की इच्छा हो ना तो कोई बड़ी चीज नहीं है जो ज्योति देखने के लिए मरे मरे जा रहे हैं हूँ वो मुझे मिले हम उन्हें बता देंगे बड़ी सरल विधि है योग में बड़ी सरल विधि है सारिया रोशनियां दिख जाएंगी कौन बड़ी बात है लेकिन रोशनी परमात्मा है चांद परमात्मा है ज्योति परमात्मा है लाल रंग की ज्योति परमात्मा है। उन्हें को बोले ना नहीं पीली ज्योति है सात रंग सात रंग तब हुए जब तेरे नेत्र ने जो बाहर देखा उस सूर्य की रोशनी सत तरंगों में फटी हुई दिखी तो तुम्हें पत्ते हरे लगे आसमान नीला लगा बादल सफेद लगे पानी गंदमी लगा ये सब रंग तो दिखने लगे अब किसी को पीलिया हो जाए तो सब पीला दिख जाएगा और किसी को वो कहते ना हरियाली के अंधे को सब हरा हरा दिसे है और रंग रंग तो आँख का धोखा है प्यारे दुनिया में तो कोई रंग है ही नहीं वर्ल्ड इज कलरलेस इट इज शोइंग यू द कलर्स और अगर परमात्मा सिर्फ ज्योति ही हो वे तो अंधे बेचारे तो कभी परमात्मा को मिल ना पाएंगे किसने कहा ये मत मतांतरों के जो भ्रम है उनमें फंसा हुआ मनुष्य अटक के रह गया श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं इतने सुंदर रूप से सारी बात को स्पष्ट किया और बार बार बोले कि जो मैं कह रहा हूं सत्य है जो मैं कह रहा हूं सत्य है मैं अजन्मा हूँ अर्जुन पूछते रहे जो जिसको मैं सामने देख रहा हूं ये क्या है बोले तो मार चीत मैं अजन्मा हूं मुझे जन्मा मत समझ लेना बेचारे क्या करें कोई तो उनका उपदेश के राजी नहीं है गीता पढ़ो तो गीता समझो तो जहां जहां यह बात कही कि ये मोर मुकुट लगे हुए मेरे स्वरूप को याद करे भाई जो बिल्कुल ही बाल बुद्धि है जो कोई चीज नहीं समझ रहा है तो त्राटक अथवा प्रारंभिक यू नो फॉर द बिगिनिंग फॉर द प्रीलिमिनरी स्टेजेस इट इज सेड यू कैन फोकस ऑन वन थिंग बिकॉज योर आईज your mind is so stupid, so stupid the guru has to give some external prop हमारे आचार्य लोग बड़े 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 विशाल हृदय के हैं वो हर लेवल के मनुष्य का ध्यान रखते हैं कबीर साहब कह रहे हैं है, है प्रगट पर दी सतना ही सतगुर सहन सारा हो कहे कबीर सर्व ही साहेब परखो परखन हारा हो साहेब तो सब जगह है परखने की आंख चाहिए एंड इफ यू डोंट हैव दोज आईज टू सी यू कैन नेवर सी ना त्रिदेव सोहम शक्ति निराकार से पारा हो कोई कहते हैं अच्छा चलो तीन देव वो परमात्मा ब्रह्मा है विष्णु है महेश है ये है परमात्मा कबीर साहब कहते ना ये भी परमात्मा का पूर्ण स्वरूप नहीं है फिर किसी ने कहा चलो सोहम सोहम करो नाथों में योग की परंपरा में सो हम सो हम सो हम करो सो हम मतलब वह मैं ही हूँ वह मैं ही हूं समझ ना आई कैसे पर बोल दो सो हम सो हम हंग सो हंग सो रटो रट रहे किसी ने कहा नहीं शक्ति रूप है वो शक्ति मैंने देवी किसी ने कहा नहीं नहीं निराकार है वो कोई आकार नहीं त्रिदेव में आकार आ गया देवी कहा आकार आ गया हाँ लेकिन कहते नहीं आकार नहीं वो तो निराकार है निराकार मतलब जिसको जाने ही ना जा सकेगा ये भी झंझट हो गया शब्द अतीत अचल अच्छा अविनाशी किसी ने कहा शब्द रूप है परमात्मा अंदर शब्द सुनेगा सुनो उसको कबीर साहब कहते वो शब्द अतीत है शब्द का अधिदेव माने जिस शक्ति से शब्द चलता है और शब्द कान से सुनता है और शब्द आकाश में प्रवाहित होता है पानी के अंदर कोई शब्द ना सुनेगा गहरे पानी में चले जाओगे वहाँ कोई शब्द ना क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है वहाँ शब्द ट्रैवल नहीं कर सकता शब्द एक वाइब्रेशन है वाइब्रेशन नीड स्पेस टू ट्रैवल डीप डाउन इन ओशन द डाइवर्स द यूज साइन लैंग्वेज ऑल इज फाइन नॉट फाइन द यूज देंड जेस्टर्स टू कम्युनिकेट दे एम टॉक दैन ऑट ही मुँह खोलेंगे पानी जाएगा के अंदर कैसे सुन लेंगे शब्द को तो परमात्मा अगर सिर्फ शब्द रूप है पहला बहरों को सुनेगा ही नहीं मैंने बहरे परमात्मा ना मिल पाएंगे दो शब्द सब जगह नहीं चलते पानी के अंदर नहीं चलता है। वहां कैसे सुनेंगे ये जो ये जो गंगा की लहरें समंदर की लहरें जो तुम्हें सुनती है ना ये सरफेस की कहानी है ऊपर ऊपर सतह में नीचे कभी जाके देखिए ना जाओ श्रीलंका मालदीव चले जाओ अपने हिंदुस्तान में भी किनी किनी बीचे पे अब डीप सी डाइविंग अब शायद हो रही हो वहां जाइए एक बार अनुभव लीजिए जब नीचे उतर जाओगे चालीस पचास किलोमीटर तक अगर मान लो जाने की हिम्मत हो चले जाओगे वहां कौन सा शब्द है अशब्द शब्द सुनने को कान चाहिए कान ना हो तो शब्द ना सुनेगा कबीर कहते वो शब्द भी नहीं है क्या है वो अचल अविनाशी वो अचल है मैंने चलाए मन नहीं होता अविनाशी शब्द विनाशी होता है नहीं मैं एक एक शब्द बोल रही हूं एक एक शब्द विलीन होता जा रहा मरता जा रहा एक ही शब्द अगर चलता रहे तो दूसरा शब्द सुनेगा ही नहीं तुमको जो विनाशी है वो परमात्मा नहीं है अविनाशी है अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल अविनाशी है परमात्मा क्षर अक्षर से न्यारा हो क्षर मतलब जो टूट फूट जाए मर जावे अक्षर अब देखिए अक्षर मतलब जो टूटता फूटता नहीं अब हमने टूटती फूटती चीजें तो देखी हैं वी हैव सीन ऑल दोज थिंग्स विच आर ब्रेकेबल टेंजिबल

आग लगाने वाला कबीर साहब का है और ये वो जो भी बोल रहे हैं ना ये उपनिषद से भिन्न नहीं अलग नहीं कह रहे वेदांत से कुछ अलग नहीं कह रहे अशब्दम स्पर्शम च क्या ये उपनिषद नहीं कहती है वो शब्द रूप नहीं है उसका स्पर्श नहीं हो सकता अगंधम उसको खुशबू नहीं है जिसको तुम सूंघ लोगे अदृश्यम वो दृश्य नहीं है जिसको तुम देख लोगे पांच इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होते हैं वो पांच के पांच को उन्होंने काट दिया जो देखने सुनने छूने चखने में आ जाए वह परमात्मा नहीं है तो कैसे मिले बोले सदगुरु सैन सहारा हो सदगुरु का दिया इशारा इशारा जिस इशारा मतलब ब्रह्म विद्या तो अभी इसी ब्रह्म विद्या को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने विषय पर आते हैं पंचकोश मैं जिसको हम मैं कह रहे हैं वह पंचकोश पांच लेयर्स में मौजूद मुझ निज स्वरूप मुझ आत्मदेव के पांच पर्दे हैं उन पांच पर्दों को चीर के समझना होगा पंचकोश मैं कौन हूं इस यात्रा में है देखिए एक कबीर जी का भजन मनोन का सोई निज पीव हमारा हो पीव माने पिया प्रियतम और निज माने मैं बड़ी गुप्त बात बोल दी इसमें और प्रकट भी है सोई निज पीव हमारा हो ना आवे ना जावे सोई निज मैं ऐसा हूं मैंने तू ऐसा है ना तेरा जन्म हुआ है ना तेरा मरण होगा सोई निज पीव हमारा हो पीव कौन परमात्मा तो तेरा अपना आप परमात्मा से भिन्न नहीं है आपको जाना तो परमात्मा को ही जाना जैसे बूंद को समझे तो सागर को समझ गए जो बूंद के जल को ना समझे वो सागर को कैसे समझेगा अब सागर ढूंढने निकलो हम हम सागर समझेंगे बूंद कहे मैं सागर ढूंढूंगी ढूंढते 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 कहां जावे ढूंढने पहले बोलो ऊपर जाए नीचे जाए बूंद कहां जाए जल को ढूंढने के लिए वेयर शुड द ड्रॉप ट्रेवल टू टू फाइंड इज which direction up down north south east west which direction should the droplet go to find what water is the droplet should not go anywhere she should just look in herself that's it जो बूंद को यह समझ लग गई कि वो कौन है तो जिस जल को वो ढूंढ रही थी वो जल उसको आप में ही मिल जाएगा ऐसे ही परमात्मा ढूंढने यहाँ वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है बस अपने आप को समझ लीजिए आप कौन हो तो जिस दिन आपका स्वरूप क्लियर हो गया उस दिन उसी दिन परमात्मा का मिलाप हो जाएगा मिलाप कहना पड़ता है वो तो कहीं गया आया नहीं है ना है प्रगट प्रदिशत नहीं तो तुमको दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं और पंच कोशों के माध्यम से समझा रही हूँ पांच कोश कोश याद है भूल गए कोश माने शाबाश लैर कोश माने मयान कोश माने संदूक और सूटकेस संदूक पुराना शब्द है नया लेते हैं सूटकेस पहला कोश था अन्नमयी दूसरा राणमयी कोश प्राणमयी कोष में हमने बताया था कि पंच उसकी सब टाइप्स हैं वो पांच सब टाइप्स ख्याल में हैं कि निकल गई अच्छा एक बात बताओ ये जो बातें हमने उस दिन बोली वायु के विषय में पंच वायु द तो फाइफ प्राण इन योर बॉडी कैन यू रिलेट विद दैट क्या आप उसके साथ कुछ संबंध स्थापित हो रहा था आपको ऐसा क्लियर हो रहा था ये जो कह रहे हैं तो हो रहा है ऐसा ही हो रहा है अब उसका विज्ञान जो है वो जानने के लिए मैंने कहा ना हमने बहुत मोटा मोटा इशारा दिया है इसकी बहुत इन डेप्थ में नहीं गए हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है और जिनको फिर आगे उतरना होगा वो फिर बाद में दूसरे समय में आश्रम में कुछ रखेंगे कार्यक्रम वो लोग उसमें बैठे सुने अब हम आज प्रवेश करते हैं तीसरे कोष में और वो है मनोमयी कोश मन का कोश मन क्या है अब इस ए, स्लाइड के द्वारा थोड़ी सी चीजों को स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं एक बार स्क्रीन की ओर देखें पहला मन में क्या है अगर हम कहें डिफाइन द माइंड हाउ व्हाट इज माइंड व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ माइंड तो मन मतलब है भावना भावना मन इमोशंस भावना मतलब इमोशंस मन से ही मनुष्य हुआ है मन शब्द के रूट से ही मनुष्य हुआ जो मन रखता है वो मनुष्य है जिसमें मन है वो मनुष्य है और आप देखिए अंग्रेजी में भी ह्यू मन ह्यूमन ह्यू मनी है वहां पर भी जिसके अंदर मन है मन माइंड मनस ये सब एक मैंने प्रायवाची शब्द अलग अलग भाषा में जिसके भीतर मन है वह मनुष्य है अब इस मन के अंदर क्या है तो सर्वप्रथम अगर हम चलें तो मन के अंदर भावनाएं होती हैं और भावनाओं का खेल देखिए शुरू हो जाए तो इतनी भावनाएं इतनी भावनाएं हैं कि इन्हीं भावनाओं के सागर में तुम खोके रह जाओगे और हमारे नाट्य शास्त्र में ये अभिनय करने वाले एक्टिंग करने वाले लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है और जो एक्टिंग नहीं जानते हैं वो जिंदगी ही एक्टिंग कर कर के जी रहे हैं रियल टाइम ड्रामा जो जी रहे हैं भावनाओं से ही तो चल रहा है अब शुरू करें सबसे देखा जाए तो हंसना भावना है देखो बच्चे हंसते ही रहते हैं ये हंसी गुम तो तुम्हारी तब से हुई ना जब से स्कूलों के चक्कर में पड़े कॉलेजों के चक्कर में पड़े बीवी बच्चे के चक्कर में एक ने बोला हसबैंड का मतलब क्या होता है बोले जिसकी हंसी बंद हो जाती है हंसी पर बैन लग जाता है वो हसबैंड होता है हंसी बंद हो जाती चिंता फिक्र में लेकिन जब जन्म लिया था शरीर ने जब जीवन शुरू हुआ था तो हंसी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हंसी के हसी के साथ तो दूसरा भी आ जाता है रोना भी हंसेगा तो रोएगा भी तो हास्य है रौद्र है रौद्र माने क्रोध तो नहीं हम उसको कहते हैं लेकिन रौद्र अर्थात एक बहुत डिस्ट्रक्टिव फोर्स है एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ये रौद्र जो है जैसे हमारे पुराण की कथाएं कहते हैं जहाँ शिव जी को क्रोध आवे ना तब ये नहीं कहते महादेव जी को क्रोध तब कहते महादेव जी रौद्र रूप में आए क्रोध अज्ञानियों को आता है उनको क्रोध नहीं आता है रौद्र है वो शांत रस आपका मन शांत होता है ये भी एक इमोशन है याद रहे ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है आपके मन में सेक्सुअलिटी की इच्छाएं जो आती हैं जिसको हम श्रृंगार रस कहते हैं वो आ जाता है तो मैं मन को मोटा मोटा बता रही हूं आपको भावनाओं का थोड़ा सा विस्तार दे रहे वात्सल्य वात्सल्य मां को बच्चे से होना चाहिए ऐसा दुनिया बोलती है वो बात अलग है कि माँ को वात्सल्य ही नहीं होता है सिर्फ वो उसमें कुछ और भी होता है उसका स्वार्थ भी होता है उसकी रचना है मेहनत करके पैदा किया है इसलिए शुद्ध रूप से वो प्यार क्या ममता रहित कर रही है अगर सच में ममता रहित कर रही होती तो वात्सल्य है अन्यथा वात्सल्य नहीं होता है वात्सल्य एक ऐसी भावना है जिसके शायद लेवल हो सकते उसका क्रूड फॉर्म सबके अंदर आ जाता है पशु पक्षियों में भी बल्कि दिखता है मनुष्यों में भी दिखता है वात्सल्य तो भावनाएं हैं, आपके चित्त में भिन्न भिन्न भावनाएं जो उठती हैं ये भावनाएं ही तुम्हारा मन है यही मन वीरता वारियरशिप मार दो तोड़ दो फोड़ दो लड़ लो वीरता विस्मय

क्लासिफिकेशन भावनाओं की हम कर सकते हैं तो मन क्या है मनोमय कोश का एक सबसे बड़ा हिस्सा है भावना दूसरा है संवेदना है है स्मृति पांचवा विकल्प छठा है विपरीत दिस इज योर माइंड नाउ इट इज योर माइंड एंड यू डोंट नो व्हाट माइंड इज समझो इसको बहुत जागरूक होकर समझना कोई सोचना सज्जे कभी देख लेना ना, उठा देना इसको सोने का समय नहीं है ये जागने का समय एकदम तर्क हो करके की हड्डी सीधी करके बैठो ताकि बात पूरी समझ में आए मन है भावना मन है संवेदना संवेदना क्या है देखिए आंख ने कुछ देखा क्या आंख ने देखा कि मन ने देखा आंख के अगर देखती तो सब कुछ ही दिख जाता तुम्हें चीज सामने होती है फिर भी नहीं दिखती क्यों क्योंकि मन कहीं और अटेंशन में होता है इसलिए सामने पड़ी चीज नहीं दिखती तो आंख के जरिए से मन देखता है कान सुनते हैं कि मन सुनता है मन गायब हो मन बेहोश हो तो सुनाई नहीं देगा मन बेहोश हो दिखाई नहीं देगा दिखता है क्या ये अभी कल परसों की बात है यहां मैं चल रही थी ऐसा ना चार पांच चेले साथ चले तो दूर से दिखते कोई आ रहा है हम अकेले ही निकल लिए अकेले ही निकले तो मेरे सामने से लेफ्ट से राइट से सब तुम ही लोग एक एक करके निकल रहे हो निकल रहे हो निकलने के बाद पीछे से किसी ने आवाज मारी वो गुरु आ गए तो वो पलट गए हैं और मेरे सामने से निकला है गु पांच फुट साढ़े सात इंच लंबा शरीर नहीं दिखाई दिया क्यों मन कहीं और था मन कहीं और था तो आंख देख के नहीं देखती कान सुन के नहीं सुनते अच्छा खुशबू का, बदबू का पता कैसे चलता है नाक के द्वारा जो सेंसेशन इट ट्रेवल्स टू द ब्रेन बट माइंड डिफाइंस इट जैसे कोई आदमी कोमा में हो कोई आदमी बेहोश हो क्या उसको दिखाई देगा कुछ सुनाई देगा कुछ सुनाई देगा कुछ कुछ उसके जी जीव पे रखे हैं उसको कोई टेस्ट आएगा क्या वाई क्योंकि जो सेंसेशंस हैं नर्व इम्पल्सिस के द्वारा जो सेंस स्टिमुलाय है वो ब्रेन तक नहीं गया और ब्रेन के द्वारा मन ही समझता है दिमाग नहीं समझता इसलिए जबकि कोई बात ना समझे तो हम हम ये कह देते हैं कि तेरा दिमाग खराब है नहीं कहना चाहिए तेरा मन खराब है क्या दिमाग तो सबको प्रकृति ने एक सा ही दिया उसमें कोई चेंज नहीं है आपको मालूम आइंस्टाइन का दिमाग का एक हिस्सा चोरी हो गया ये सच्ची घटना आइंस्टाइन के मरने के बाद उन्होंने उसके ब्रेन को बाहर निकाला ये जानने के लिए कि क्या फर्क है इसके दिमाग में और एक आम आदमी के दिमाग में इसने इतने इन्वेंशंस कर दी क्या फर्क क्या है उस दिमाग का एक हिस्सा कोई जन उनकी लेबोरेटरीज ही काट के ले गया समझने के लिए बड़ी दुर्दशा है ये तो हिंदुओं में बड़ा अच्छा काम है बौद्धों में सिखों में वो जलाई देते नहीं तो बोलो दिमाग भी चोरी हो जाए दिमाग समझता नहीं दिमाग नहीं समझता मन समझता तो सारी जो संवेदनाएं ऑल फाइव सेंस ऑर्गन्स आर एक्चुअली वर्किंग बिकॉज ऑफ माइंड इफ माइंड इज नॉट देयर नो सीइंग हियरिंग टचिंग स्मेलिंग टेस्टिंग वुड हैपन बात समझे पति देव खाना खा रहे थे पत्नी ने पूछा नमक कैसा है वह तो अभी बताता हूँ बोले दो रोटी खा गया अभी तो नमक ही नहीं पता चला वो ध्यान नहीं दिया अरे ध्यान नहीं दिया ये क्या बात हुई वो फिर दोबारा चखते है न ठीक ही है लोग बहुत गुम से होते हैं ना लास्ट को कुछ सुनता ही नहीं दिखता ही नहीं कल एक बुज़ुर्ग माता मुझे कह रही थी कह रहे ऐसे बेहोश लोग चलते हैं बोले अब हम छड़ी लेके धीरे धीरे विद वॉकिंग स्टिक स्लोली आई एम वॉकिंग बोले कितनी तेज़ी से भागता हुआ तो बिल्कुल टकरा गए बोले अब हम तो पहले ही एक्सीडेंटल केस हैं हड्डियाँ टूटी हुई हैं हिप है अब कोई गिरा देगा तो क्या हालत होगी बोले सामने वाले को दिखाई नहीं इतने बेहोश चलते पता नहीं आंखें कहा और ऐसे देख रहे हैं और मन पता ही नहीं कहाँ है सामने कौन आ जाए पता ही नहीं चलता है कौन टकरा गया पता ही नहीं चलता है क्या हो जाएगा इन पता नहीं जीते कैसे हो भाई बड़े एक्सीडेंटल होते हो आप लोग तो वाय माइंड इज लॉस्ट वाह मन हमेशा भावनाओं में उलझा रहता है किसी बात का दुख होगा वही सोची जा रही दुख मुझे जो दुख हुआ ना उसी को सोचे जा रहे सोचे जा रहे उन भावनाओं में इतना बह गए तो आंख से दिखना कान से सुनना ठीक नहीं हो पाता कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विल नॉट हैपन इफ योर माइंड इज इन अ टमल्ट स्टेट इफ योर माइंड इज डिस्टर्ब एंडर्ब्ड यू कैन नॉट परफॉर्म वेरी वेल थ्रू योर सेंसेस मन क्या है मन है विचार तीसरी चीज मन है एक बार स्लाइड देख लीजिए अच्छे से क्योंकि अभी मैंने इसी की ही चर्चा करनी है तो उसके बाद स्लाइड बंद कर लीजिएगा चाहे फिर जब अगली बात आएगी तो फिर अगली दिखा लेंगे ठीक है है ना तो मन क्या विचार विचार का कोई आकार नहीं होता है। होता है क्या आप कहते हो मेरे मन में गंदे विचार आए गंदे विचार आए साबुन लगा के धो लो आप कहते हो किसी को कहते इसके बड़े बास मारते बेचार हैं बदबूदार तो बदबूदार डियोड्रंट लगा लो अच्छा डिओड्रेंट से एक छोटी सी एक बात कह दूँ एंटी बहुत लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे महिलाएं खासकर कृपया मत करिएगा यहीं से कैंसर आ रहा है ब्रेस्ट कैंसर हाँ परस्पेरेंट एंटी परिस्परेंट के वजह से हो रहा है डू नॉट यूज दैट हमारा जो पुराना है ना स्टाइल थोड़ा सा चंदन थोड़ा सा संदल कुछ ऐसी चीज़ केवड़ा गुलाब ऐसा कोई अर्क हो तो वो इस्तेमाल कर लीजिए आप ताकि बदबू शरीर से ना आए लेकिन ये जो अंडर आर्म्स में यूज़ कर रहे हैं ये बहुत बहुत खतरनाक है ये जो अब एक्सेप्टेंस आई है मुश्किल से आई है अमेरिकन कुछ एक मीडिया ने उसको बहुत प्रचारित किया है लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या है बातें थोड़ी तुम लोग खाली नावल मैगजीन सिनेमा का खबर पढ़ते हो इस तरह की रिसर्च की कोई चीजें आप तक पहुँच नहीं पाती हैं तो थोड़ा इस विषय में मुझे ये बात जरूर कहनी थी तो एंटी परिसपरेंट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए वो ठीक नहीं होते केक्ट डिओड्रेंट एक होते हैं केक्ट Uh, कुछ एक यहाँ का अभी चालू नहीं हुआ ना लेकिन अमेरिका से वहाँ एक कुछ एक चेन है जो ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ एक ऐसी चीज़ें बनाई हैं तो जो जिसमें केमिकल नहीं है केमिकल से बचाना चाहिए शरीर जितना हो सके केमिकल से बचो खैर विचार जब आप कहते हैं कि बदबूदार हैं तो ये एक हमारी एडजेक्टिव है जो हमने लगा दिया एक हमारी धारणा है जो हमने कह दी विचार का कोई आकार नहीं काला गोरा मोटा पतला विचार होता है क्या हमको बड़े मोटे मोटे विचार आ रहे हैं ऐसा नहीं कहते बड़े पतले हो गए हैं विचार ऐसा भी नहीं कहते काले हैं गोरे हैं ऐसा भी नहीं अच्छे बुरे बोलते हैं हम बाकी शेप नहीं है कुछ तो मन क्या है विचार अब आपके मन में कितने विचार आते हैं एक दिन में गंगा किनारे बैठ जाओ तो जरा गिनना आज करिएगा ये काम करिएगा गिनना कितनी लहरें उठी गंगा गिन पाओगे जो तो तुम्हारी आंख तक आएंगी उतनी गिन लोगे जो आंख तक आ भी नहीं रही उनको कैसे गिनोगे और जो अंडर करंट लेयर्स चल रही हैं उनको कैसे गिनोगे पॉसिबल नहीं है फिर कह दू योग वशिष्ट में श्री राम को वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम रेत के कण को गिनना आसान इस धरती पर कितनी रेत है उनके कणों को गिनना आसान है लेकिन इस मन को समझना मुश्किल है कितने विचार उठते अच्छा हर विचार के साथ ही उसका जुड़वा भाई Uh, वो भी साथ में जुड़ जाता है मतलब विचार आया खाना खाऊं मन कहता है ना खाऊं अच्छा जाऊं कि नहीं जाऊं ये दुविधा द डुअलिटी इन योर माइंड विच इज ऑलवेज देर राइट जाऊं नहीं जाऊं करूं नहीं करूं खाऊं नहीं खाऊं जाऊं नहीं जाऊं बोलूं नहीं बोलूं बात मन में रख लूं कि बोल लू पता नहीं चलता हर विचार का हर संकल्प का अपोजिट उसका विरोधी एक विकल्प साथ में होता है तो जितने विचार हैं उतने ही उसके विकल्प होते हैं ये अच्छा है नहीं नहीं बुरा है हम अच्छे हैं नहीं पता नहीं शायद हम तो बुरे हैं तो इट इज ऑलवेज यू नो दिस डुअलिटी इज ऑलवेज फंक्शनिंग ये है मन विचार 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 आंख बंद करो कोई प्राणायाम ना करो कोई मंत्र ना करो खाली ऐसे ही बैठ के देखो फिर पता लगेगा मन तुम तो बैठते ही नहीं हो बैठने के लिए भी तुमको कोई सीडी प्लेइंग कोई म्यूजिक चाहिए कोई आवाज चाहिए कोई सत्संगी सुनने को मिल जाए ऐसे तो बैठ ही नहीं पाते हो तुम मैं साधक उसको नहीं कहती हूं जो ये बाहरी प्राप्त के सहारे में बैठता है और माला हाथ में पकड़ ली थोड़ी देर अच्छा क्या है माला भी पकड़े थोड़ी देर तो मंत्र होता है और मन देखिए फिर कैसे जाल बुन लेता है कैसे भगा देता है फिर ये सोच वो सोच ये ख्याल वो ख्याल इतने ख्याल के ख्यालों से परेशान होकर के मंत्र भी भूल जाता कि क्या मंत्र कर रहे थे या ये कि कितने मंत्र कर रहे थे मुझे कोई दिखा रहे थे कि इतनी सी छोटी सी एक गैजेट थी न तो उसमें ऐसा टिक ऐसा दबाओ उसको तो टिक 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 ये क्या है कह रहे ऐसे ना मंत्र भूल जाता है हमने रोज का सोच रखा है कि इकतीस हज़ार मंत्र करना है तो माला में तो भूल ही जाता है कितने नंबर की माला चल रही तो अब ये गैजेट रख लिया माला की जगह में वो ऐसे एक मंत्र किया टिक दूसरा किया टिक और फिर जब पूरा करते तो खोल के देख लेते हैं मैंने उसके डिस्प्ले हो जाता है कि इतने हज़ार मंत्र हो गया देखिए जितना चाहो तो मन को बेवकूफ बनाते रहो और दब्बू और और गधहू होते चले जाओगे तुम मन को सक्षम रखने के लिए बाहर के साथ आपके मन की तारतम्यता बनी रहे उसके लिए ये सब चीजें उचित नहीं होती अम्मा ने जाल बना लेता है अच्छा टिक टिक करके तुम सोचते हो गिनती कर लें तो यह भी हो सकता है कि टिक तो कर लो मंत्र करो ही नहीं नहीं और ये भी हो सकता है कि मंत्र तो कर गए टिक करना भूल गए गिनती तो तब भी गड़बड़ हो जाएगी पुराने समय में ना वो कहते थे कपड़े में गांठ बांध लो गांठ बांध लो कुर्ते में पगड़ी में पगड़ी कैसे वो खुला सा रहता था ना तो बोलते हैं उसको तो उसमें गांठ बांध लो कुर्ते में गांठ बांध लो कि वापिस आते हुए चीनी लेके आनी है वो पूरा बाजार घूमाया और चीनी लाए ही नहीं तो पत्नी लड़े ए गांठ बांधवाई तो थी ना बोले गांठ की भी तो याद होनी चाहिए ना कि गांठ है जो गांठ ही याद नहीं रहेगी तो खोलेंगे कैसे और जब खोलेंगे ही नहीं तो वो किससे रिलेटेड है याद भी नहीं आएगी विचारों का इतना प्रभाव बम्बाटमेंट हो रही विचारों की और यही विचार है मन तो ये कोष बहुत बड़ा है अनमय कोष तो इतना सा है साढ़े तीन हाथ का देह है बस साढ़े तीन कैसे ये जो आपकी बाह है ना उसमें साढ़े तीन है तो सबकी बाह के अनुसार उनके शरीर की हाइट साढ़े तीन ही निकलेगी सात फुट है तो भी चार फुट का है तो भी पांच फुट का है तो भी देखिए हमारे ऋषियों की कैसी कैसी बातें ये देह साढ़े तीन हाथ का है जो पहले पहले मैं इसे पढ़ा मैं साढ़े तीन हाथ का कैसे ये तो गलत है फिर समझ जब किसी ने समझाया कि जो शरीर की बा है उस नाप के अनुसार साढ़े तीन तो इतना सा बच्चा हो तो उसकी बाह का साढ़े तीन उसका शरीर होगा एक दो और आधा तीन और आधा साढ़े तीन अन्नमयी कोश से प्राणमयी कोश बहुत बड़ा प्राण पान व्यान अनुदान समान ये जो वेग चल रहे हैं ये जो वायु चल रही हैं अच्छा ये जो शरीर का प्राण है ये महाप्राण के साथ जुड़ा हुआ है आपके शरीर के अंदर का प्राण बाहर के महाप्राण से जुड़ा हुआ है प्रकृति के ए, सब कार्य भी तो प्राण से हो रहे हैं ये पेड़ ये वृक्ष ये वनस्पति ये आसमान ये सूर्य ये चांद ये तारे ये धरती ये सागर सब कुछ प्राण से ही तो संचालित तो हो रही द फिजिकल मॉटल वर्ल्ड इज मैनेज्ड बाय द प्राण एक सूखे पत्ते और एक हरे पत्ते में क्या फर्क है बोलो प्राण का एक बहती नदी और एक डबरे में माने एक छोटे से घेरे में पानी आ जावे और वहीं रुक जाए उस पानी में और बहती नदी के पानी में कोई फर्क है या नहीं क्या फर्क है उसमें भी प्राण का फर्क है कभी आपने महसूस किया आप बंद कमरे में कब से बैठे काम कर रहे थे और बहुत बोझिल हो गया और सिरदर्दी शुरू हो गया फिर आप ऑफिस से बाहर निकले और ताजी हवा में आए किसी बाग बगीचे में आए एक लंबा सांस भरा और सांस भरते एकदम सब फ्रेश हो गया क्या चेंज हुआ है ये महाप्राण के साथ जब शरीर के ये प्राणमयी कोश का आपस का जब मिलाप होता है यू फील गुड यू फील नाइस पहाड़ पर चले जाए खिल जाता है सब कुछ हाँ आप समंदर किनारे चले जाएं, एकदम कुछ बदल जाता है सब फूल देखते हैं पत्ते देखते हैं खिली हुई हरियाली देखते हैं प्राणमयी कोश अन्नमयी कोश से बड़ा है और मनोमयी कोश उससे भी बहुत बड़ा है। अच्छा आप एक देखिए आपके मन में किस किस चीज के विचार है कैटेगरी भी अगर हम बनाने लगे धर्म के हैं अधर्म के भी हैं झूठ के हैं राजनीति के हिस्ट्री जोग्रफी सब कहाँ है आपके मन में जितना चीजों को आपने कहीं से भी देखिए आपकी आंखों से जो कुछ आपने देखा वो भी मन में गया है कानों से सुना वो भी मन में गया नाक से जो सूंघा वो भी जीभ से जो कुछ चखा है वो भी जो कुछ तुम बोले हो वो भी मन में गया है जिन जिन चीजों को छुआ है तुमने जैसे आ, गर्मी के दिन में बारिश हो और मिट्टी से सौंधी सौंधी सुगंध है उस सुगंध को सूंघते ही आपको क्या कुछ याद आ जाता है वही जिस घर में रहे थे बचपन में जहाँ खेले थे ये विचार सब आपके मन में है ब्रह्मा है विष्णु है महेश है ये भी विचार आपके मन में है बुरे अच्छे जो भी कुछ विचार ये मन है यहां से सूर्य कितना दूर है लाखों किलोमीटर दूर लेकिन सूर्य का विचार तुम्हारे मन में है नहीं है। अच्छा ही क्या मैं आपको कहूं अच्छा आंख बंद करके जरा सूरज की फोटो आंख के सामने लाने की कोशिश करो तो आ जाएगी नहीं आएगी क्लियर ना आए धुंधली आ जाए आ ही जाएगी तारे कितने दूर हैं करोड़ों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर हैं तारे तारे के विषय में विचार है स्वर्ग नरक के विषय में विचार है किसी ने कहा सात लोक होते हैं बूर, बुवर, मार्त, सत्यलोक जनलोक अच्छा सात लोक होते हैं। ये भी विचार मन में एक ने कहा नहीं विष्णु जो है वो तो गोलोक में रहते गोलोक का विचार महादेव जी कैलाश में रहते हैं तो कैलाश का विचार महादेव जी का विचार ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं ब्रह्मलोक का विचार कहाँ है आपके मन में तो विचार और विचार के साथ विचार का जो अपोजिट होता है वो भी वहीं पे है साकार और निराकार कोई कहे हम साकार मानते कोई बोले हम निराकार मानते हैं मान्यता ही है मान्यता कहां से निकलती है आपके मन से एक ने कहा पहले नहीं मैं भगवान मानता था अब मानता हूं तो भगवान की जो मान्यता है वो भी तुम्हारे मन से निकली है जिसके मन में यह मान्यता ना डाली जाए उसको नहीं पता कि भगवान भी कुछ होता है आपका मनोमयी कोष कितना बड़ा है दिस माइंड इज सो बिग सो so मैनी universes कैन सिट into this दिस माइंड बिकॉज माइंड इज नॉट फिजिकल उसका एक आकार नहीं है देखिए ये जिस सीट पे मैं बैठी हूँ, इस इस कुर्सी की एक सीमा है धरती की एक सीमा है एक पॉइंट के बाद धरती खत्म हो जाएगी चांद की एक सीमा है सूर्य की एक सीमा है मन की कोई सीमा नहीं कह सकते हो तुम के मन यहां आके खत्म हो जाएगा कह सकते हो तुम के मन यहां से शुरू हुआ है कह सकते हो तुम कि तुम्हारा मन कब पैदा हुआ था व्हाट इज दर्थ डे ऑफ योर माइंड एंड यू आर लिविंग बिकॉज द माइंड इज गिविंग यू ऑल दी हेल्प देखे आपको मैं हजार चीजें पूछूं पॉइंट आउट करके ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये क्या है तुम सब बोलते जाओगे ये ये है ये ये है ये ये है ये ये है, ये ये है। कैसे बोल रहे हो क्योंकि उस चीज के बारे में विचार आपके मन में है और जिस चीज का विचार आपके मन में नहीं होगा कहोगे पता नहीं क्या है आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं ये भी तो एक विचार है नहीं मैं जानता हूं ये एक विचार है और मैं नहीं जानता हूं क्या यह विचार नहीं है? ये भी एक विचार विचार के बाद आती है स्मृति मन क्या है स्मृति स्मृति मैंने मेमोरीज व्हाट इज द माइंड नाउ लेट मी पुट इट इन दिस इन इन लिटिल समराइज्ड वे इन इंग्लिश माइंड इज वन इमोशंस ऑल वेरिड इमोशंस इज माइंड माइंड इज परसेप्शन माइंड इज थॉट्स एंड एंटी थॉट्स एंड माइंड इज मेमरीज देखा जाए तो मन स्मृति के अलावा कुछ है ही नहीं आपसे कोई भी चीज पूछे हम ये क्या है उसका उत्तर आप कहाँ से दोगे बिना स्मृति के जवाब दे सकते हो ये मेरा मकान है ये भी एक स्मृति है ये मेरे बच्चा है ये भी एक स्मृति जिसका स्मृति खराब हो जाए से दे गॉट हर्ट एक्सीडेंट और सम नर्व रप्चर्ड इन द ब्रेन हैूजिस ऑल द मेमरी उसे यही नहीं पता कि वो कौन है उसे यही नहीं पता कि क्या है कौन क्या है उसे कुछ भी नहीं पता क्योंकि जिस uh, स्मृति से मेमोरी से वो जी रहा है वो जिस सिस्टम से चल रही थी वो सिस्टम में गड़बड़ हो गई सी यू कैन से ब्रेन इज दी हार्डवेयर एंड माइंड इज दी सॉफ्टवेयर अगर कोई तुम्हारा सिर काट दे तो तुम्हारा मन नहीं खत्म होगा लेकिन मन का जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो बंद हो जाएगा दिमाग में एक नस फूट गई हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा खतरा यह है हाई बीपी का सिम्टम कोई नहीं होगा और अगर कहीं सडनली uh, सूटअप कर गया और उसकी बॉडी नहीं संभाल पाई तो कोई नव फट गई हैमरेज हो गया तो उसका कितना नुकसान हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते सारा टाइम पैसे 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 चिंता 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 करते रहते हो और यही चिंता यही चिंता एक दिन तुमसे तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य और तुम्हारा जीवन तक छीन सकती है मेरे बच्चे पूछते नहीं मेरे बच्चे पूछते नहीं इसी में डिप्रेशन में चले गए शरीर का ख्याल ना रखा बीपी हाई हो गया स्ट्रोक हो गया बात ही खत्म अब मर जाते कभी-कभी लगता अच्छा ही था और कभी कभी पैरालिसिस हो गया जुबान बंद हो गई अभी कोई मुझे बता रहे थे उनको आंख से दिखना ही बंद हो गया बोलना भी बंद हो गया दिखना भी बंद हो गया और पैरालिसिस भी हो गया अधरंग भी हो गया अब शरीर पड़ा है उनका घर वाले इलाज कराते फिर रहे डॉक्टर क्या करेंगे उसमें समटाइम्स इट बिकम्स नॉन रिवर्सल किन्हीं किन्हीं केसेस में, में जहाँ माइल्ड होता है हेमरेज अगर माइल्ड है विद इन सेवेंटी टू आवर्स वो अपने आप को हील अप कर ले क्लॉट आया निकल गया बच गए ना निकला क्लॉट तो महाराज शरीर की तो बड़ी दुर्दशा हो जाती अब यह हुआ कैसे स्मृति की वजह से स्मृति क्या है आपको मुझे उसने ये कहा मेरा मन दुखी हो गया कहा ये बात याद रह गई उस याद रही बात की वजह से मन में दुख की उत्पत्ति हो गई और बार बार उसी को याद कर रहे बार बार उसी को याद कर रहे। मेरे एक यहाँ पुराने हमारे श्रोता थे बहुत अच्छे वेरी नाइस वेरी नाइस मैन बहुत प्यार से आते थे समझदार फिर उनके घर में एक दुर्घटना हो गई उनकी पुत्री की हत्या हो गई घर के नौकर ने कर दी पैसे के लिए दो लाख रुपए के लिए उसने उसको मार दिया जिस दिन से यह घटना घटी है ऐसा घाव मन में पड़ा है ऐसी चोट मन को लगी है धीरे 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 करते अब दिखाई भी नहीं मुझे देते पूछती हूँ कभी कभार तो बस ये कहते हूँ उनका शरीर अब अच्छा नहीं है अब शरीर अच्छा नहीं है कि मन अच्छा नहीं है अच्छा कभी कभी क्या है एक आध बात से मन में ऐसी चोट लग जाती तो लगता कोई भगवान नहीं है कोई नहीं है होता तो भगवान मेरी पुत्री को बचा लेता कोई भगवान नहीं है तो जब भगवान ही नहीं है तो फिर भगवान की बात करने वाले किसी संत से कैसे रिश्ता रह सकेगा उससे भी टूट जाता है कभी कभी मन में इतनी कड़वाहट आ जाती है ऐसे बड़े समझदार लेकिन कभी कभी अब चोट खाई स्मृतियाँ दुख की हैं लेकिन शरीर जवाब दे जाता है तो भाई अन्नमयी कोश का ठीक होना भी बड़ा आवश्यक होता है इसी कारण से मैं बार बार इस बात पर जोर देती हूँ कि नित्य प्रति आसन कीजिए प्राणायाम कीजिए खान पान का ध्यान रखिए इसीलिए ऋषि अमृत में मैं आयुर्वेद के लेख देती हूँ हमारी वैद्य जो है वो लिखती है हम खुद लिखते हैं हमारे जो परिचय में हैं लोग उनसे भी हम लेख लेते हैं ताकि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए छह ऋतुओं के अनुसार जो व्यवहार यू नो योर फूड शुड बी एज पर द सीजन योर फूड शुड बी एज पर द सीजन यू शुड नो व्हाट थिंग्स यू शुड नॉट इन ईट इन दैट पर्टिकुलर सीजन बट वेन यू डोंट नो दैन यू विल कीप ऑन ऑनिटिंग दोज थिंग्स विच विल हार्म योर बॉडी अब खाता रहे बासी और प्रोसेस्ड और मैदे की चीज़ें और कॉन्स्टिपेशन लगातार बनी रहे तो बवासिर हो जाएगी फिस्चूल्ला हो जाएगा कुछ भी हो सकता है आपकी अपान वायु बिगड़ गई तो अपान वायु के बिगड़ने से शरीर में ऐसी भयंकर पीड़ा जैसे एक हमारे आए थे उनके कमर में बड़ी दर्द थी बहुत दर्द रहती थी वो आश्रम में रहे पंचकर्म हुआ औषधि दी गई आसन सीखने शुरू किए कुछ माइल्ड विरेक्षण उनको दिए लाइट प्रगेशन उनको दिए गए और साथ में अभ्यंग चल रहा था खास करके कटी बस्ती होता है पीठ के लिए होता है कटी बस्ती चलती रही उनकी छठे दिन के बाद बोले दर्द ही नहीं है वो सब हमारे जो व्यक्ति है यहाँ मौजूद है शिविर में कमर की दर्द चली गई बोले अब है ही नहीं अब कमर की दर्द क्यों थी अपान वायु विकृत थी लंबे समय से कॉन्स्टिपेटेड रहने के वजह से जो टॉक्सिसिटी लंबा रीजन की बढ़ी है आंत में मल रहेगा तो उसकी वजह से सर में दर्द कमर में दर्द चमड़ी के ऊपर दाने ब्लमिशेस ये जो महिलाओं के बहुत जल्दी आ जाते हैं ये इनके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अब वो ऊपर से क्रीम लगाए जा रहे लगाए जा रहे उससे थोड़ी ठीक हो जाएगा वो आपकी अपान वायु बिगड़ी हुई है उसे ठीक करो वो ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा अपने आप से ठीक हो जाए अब जिनका ए, शरीर में गर्मी अधिक हो जाएगी पित्त की अधिकता हो जाएगी उनके बाल उतरने लग जाएंगे खूब बाल उतरने लग जाएंगे उन्हें लगेगा जी पता नहीं उम्र है कभी कहेंगे शैम्पू है कभी कहेंगे पानी है कभी कहेंगे पता नहीं क्या है कभी बोलेंगे जेनेटिक है या और फिर धीरे धीरे ही हो जाते फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराते फिरेंगे अब वो सब अब चाहिए क्या था कि उन्हें पित्त शमन की चीज़ें खानी चाहिए थी पित्त शमन की औषधि लेनी चाहिए थी और उससे उनका वो ठीक हो जाता अब ये मैं इस बात को बहुत बिल्कुल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हम रखते हैं कि ऋषि अमृत जब डिज़ाइन होती है हम देखते हैं उसको ओके भी करते हैं तो हर बार एक लेख आना चाहिए क्यों लोगों को ज्ञान नहीं है क्या खाना क्या नहीं खाने का ज्ञान नहीं है जिसकी वजह से शरीर रोगी होता है मैं ये समझती हूँ आपका शरीर बड़ा कीमती है आपका जीवन बड़ा कीमती है ये ठीक रहना चाहिए स्वस्थ रहना चाहिए और जितने आयुष है वो निरोगी रहो यू शुड लिव डिजीज फ्री दैट इज माई मोटिव एंड दैट इज वाई आई एम टेकिंग ऑल दिस यू नो पेंस हैव दिस कई लोग है वो ऋषि अमृत आती है प्रोग्राम देखते दर्शन कब होना है चलो प्रोग्राम कहाँ है उसके बाद वो पढ़ते ही नहीं है तो अब क्या करे भाई तो थोड़ा पढ़ना अच्छा होता है ये अनुमय को शरीर को ठीक रखना बहुत आवश्यक है आयुर्वेद से योग से खान पान से ये सब चीजों को ठीक कर सकते हैं तो क्यों ना करें प्यारे क्यों ना करें करना चाहिए जरूर करना चाहिए तो अब इस मन के विषय में मैं बात कर रही हूँ मन में, में मेमरीज चलती रहती है जी किसी का पुत्र मर गया अब वही ख्याल चले जा रहा है भूल ही नहीं पाते भूल ही नहीं पाते उस चक्कर में अपना खाना पीना खराब हो गया दवाई भूल जाते हैं मेरे यहाँ एक सामने बैठे हैं, मेरे शिष्य उनके एक पुत्र की मृत्यु हुई एक्सीडेंट में उसके छः महीने बाद दूसरे पुत्र की मृत्यु हो गई वो भी एक्सीडेंट में दोनों जवान पुत्र चले गए एक तो ब्याह था एक की तो शादी भी नहीं हुई थी अब दोनों खुद बुजुर्ग हैं सिक्सटी प्लस हैं दोनों अब घर में ऐसी वारदात हो गई ऐसा दुर्घटना हो गई तो वो तो कह रहे थे कहते हैं कि अगर आप न मिलते सत्संग न मिलता हम तो पागल हो जाते आत्महत्या कर लेते क्या करते मालूम नहीं एक पुत्र गया जवान बच्चा चौबीस साल का फिर दूसरा चला गया बाईस साल का छह महीने में दो दो पुत्र चले दो 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 लाशों को कांधा दिया अब ये स्मृति जा सकती है क्या उसके मन से जाएगी ही नहीं और उसी को सोच सोच, सोच 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 और दुखी और दुखी और दुखी तो हमारी स्मृतियाँ दुख भी बहुत देती हैं और हमारी स्मृतियाँ सुख भी देती है बचपन में मज़े किए थे खेले थे कच्चे आम तोड़े थे काइट्स उड़ाई थी पतंगे उड़ाई थी हाँ ये करते थे देखो कभी कभी जब दो दोस्त चार दोस्त बैठ जाए और बातें करें ना बचपन की बड़ा मज़ा आता ऐसा हो तो ऐसा हो तो ऐसा हो तो कहाँ से निकल रहे सब स्मृति स्मृति क्या है तुम्हारा मन बड़ा मुश्किल है भाई अपनी भावनाओं और अपनी स्मृति का तारतम्य अच्छा होना चाहिए अगर बराबर तुम्हारे मन में स्मृतियां बुरी बुरी यादें चलती रहेंगी तो मन में बुरी बुरी भावनाएं और उसके वजह से फिर शरीर जो है ना जैसे आपको आपके आ, मर चुके माँ याद आ जाए रोना निकलने लग जाएगा माँ कैसी थी बातें सारी पिताजी याद आ जाए पिताजी की याद आते ही स्मृति आते ही यू नो दिस मेमोरीज ब्रिंग सो मच पेन समटाइम्स। द मेमोरीज कैन गिव यू सो मच पेन द मेमोरीज कैन गिव यू आल्सो हैप्पीनेस एंड व्हाट इज मेमोरीज योर माइंड ना इफ यू डोट नो हाउ टू मैनेज योअर माइंड देन यू विल बिकम विक्टिम ऑफ योर ओन माइंड बात समझ लन का मैनेज होना बहुत आवश्यक है मन काबू में रहना चाहिए मन आपके ऊपर अगर हावी रहेगा जीना मुश्किल कर देगा यह मन लूप लग जाता है कईयों को मुझे याद आ रहा है एक महिला पचा पचपन एक वर्ष की होएंगी वो बैठे ना तो बस मेरा पति ऐसा थे मेरे पति ऐसे थे मेरे पति ऐसे थे वो मेरे पास बैठी वो पति को ही याद करती थी पच्चीस साल की थी जब उसकी मृत्यु हो गई आज वो पचपन की हो गई है लेकिन पति की स्मृतियाँ वो छोड़ ही नहीं पा रही वो मेरे पास बैठ के कुछ धर्म सत्संग अध्यात्म कुछ नहीं बस पति की बात करती कभी रोए कभी हंसे कभी रोए कभी हंसे तो मन क्या है आपकी स्मृतियां पहला मैंने कहा भावना दूसरा कहा संवेदना तीसरा कहा विचार चौथा कहा स्मृति अब इसके साथ जो है अब आती है विकल्प विकल्प मतलब इट इज दीसिस इट इज एंटी ऑफ एवरीथिंग विचार आया तो उसके उलट का दूसरा विचार आ गया जैसे मान लो आपको स्मृति आई स्मृति आई आपको माँ की याद आई माँ की याद आई तो माँ की अच्छी अच्छी बातें याद आई और फिर एकदम से मन ने दूसरी याद भी करा दी और बड़े भाई को ज़्यादा प्यार करती थी मुझे नहीं करती थी ठीक है माँ है पर उसने ऐसा भी मेरे साथ किया था अरे अभी तो एक टाइप का अच्छा अच्छा विचार आ रहा था बट उसका उल्टा भी आ गया ये क्या है विकल्प विकल्प मतलब ऑप्शन भी होता है विकल्प मतलब ऑपोजिट भी होता है बात समझ रहे अब कईयों का मन क्या हमेशा विकल्पों में ही चलता रहता है वो एक निश्चित विचार से बना ही नहीं पाते अब जैसे ए, ऐसा तो नहीं हो जाएगा वैसा तो नहीं हो जाएगा ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना एंटिसिपेशन एक लगे काम करने तो पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा पहले ही आ जाता है घर से निकल रहे हैं मिलने के लिए विकल्प आ गया होएगा कि नहीं होएगा ये होएगा कि नहीं होएगा होएगा का जुड़वा भाई नहीं होएगा है तो जहां होएगा होएगा वहां नहीं होएगा भी होएगा समझ लेगी हम्म विकल्प ऑप्शंस आप ऐसे सुनो एक पत्नी ने अपने पतिदेव उससे कहा शाम को वो आए घर तो कहते बड़ी भूख लगी कुछ दो कहती हाँ हाँ जो बोलो बस तुरंत ही बन जाएगा आप कहो तो क्या खाओगे कहते ऐसा करो तुमने क्या बनाया बोले अभी मैं काम ही करी थी कुछ बनाया नहीं जो बोलो बन जाएगा खे चल दाल चावल बना लो कहती लो शाम के समय चावल तो खाने नहीं चाहिए फिर पति बोले चल फिर दाल रोटी बना लो बोले आटा तो ख़त्म हो गया आपने लेके आना तो आप बोलो फिर और क्या बनाऊं कहे चल ब्रेड ले आओ फिर सैंडविच बना लेते बोले ले मैदा खाना नहीं चाहिए हमेशा आप सुनते नहीं हो मैदा नहीं अच्छी होता ताक तो मच्छी पक जाता है फिर कबज़ होएगी फिर रो हो बैठ के कहते चल फिर बाजार से चाइनीज़ ही मंगा लेते बोले चाइनीज़ खट्टा अभी परसों तो खाया था फिर से मैं नहीं खाती कहते अच्छा चल फिर मखनी दाल और नान मंगा लेते हैं पड़ोस के रेस्टोरेंट से है ना बच्चे नहीं खाते उन्होंने तो दोपहर में खा लिया था दोबारा थोड़ी वो खाएंगे आप बोलो क्या खाओगे जान दू बोलो तुम हुक्म करो मैं जान दू बोलो क्या बनाओ करे चल फिर खिचड़ी खा ले करे हाय जरूर जरूर बना देती फिर चावल लाने वाले हैं अभी चावल नहीं है और दुकान तो बंद हो गई होंगी दस बज रहे हैं रात के क्या बोला कितने विकल्प दिए पति देव ने श्रीमती जी को एक भी पसंद नहीं आया विकल्प तो मतलब ऑप्शंस भी होता है लोग अक्सर इसी दुविधा में जीते हैं। एक करें नहीं करें एक करें नहीं करें, एक करें नहीं करें, करें जाए नहीं जाए करें नहीं करें बोले नहीं बोले मान इतने सारे खड़े कर देता है ऑप्शन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चूज संता के घर में चूहे बहुत हो गए बंता से पूछता है का क्या इलाज करूं उसने कहा अभी पिंजरा ले आओ, उसमें ब्रेड लगाओ वो खाने आएगा फस जाएगा। ठीक है किया उसने हो गया चूहा पकड़ लिया बोले ना पकड़ा ही नहीं गया वो आता है ब्रेड खा के चला जाता तेरा ये तो उपाय चला नहीं और बोलो कहते चला एक काम करो तुम ना ये पक्का पक्का चूहा पकड़ में आएगा कैसे बोले एक तरफ रखो एक तरफ रखो ब्रेड चूहा आएगा वो सोचेगा ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं खाऊं ये खाँ ये खाऊं और बस पकड़ जाएगा आप जो है ना हाँ इसी में फंसे हुए हो मां बाप देखो ना कभी तो अपने लड़के की करेंगी तारीफ बहुत ही चंगा मेरा बीबा राजा पुत्र मेरा पुत्र बड़ा ही प्यारा पुत्र है पर जल स्यापा नू आई है ना बिगड़ गया और फिर गाली निकालती ऐसे ऐसे से तो नहीं होता तो अच्छा था देखो क्या फायदा इसके होने का कोई पूछता ही नहीं है उसी के पीछे घूमता रहता धूम छल्ला बन करके अभी कह रही है कि मेरा मेरा पुत्र प्यार आ रहा है अभी उस पर गुस्सा आ रहा है आपके रिश्तों में ये विकल्प ऐसे ही चलते रहते कन्फ्यूशन Confusions। पत्नी के रिश्तों में आप देख लें प्यार भी करते हैं नफरत भी करते हैं। किसी पत्नी से पूछ लो तुम्हारे पति कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लेकिन पर जब तक सास रही ना बड़ा इसने मेरे को दुख दिया है मैं ही हूं जो जी गई इसके साथ मैं ही हूं बच्चे ना होते ना ऐसी ऐसी कहानियां किसी पत्नी से पूछ के देख लो पति कैसा है पति से पूछ लो पत्नी कैसी वो कह रहे क्या आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है मतलब पसंद तो कोई और थी हो गई इसके साथ संजोग है अब क्या कर सकते हैं जो है उसके साथ जीरा है लेकिन मन के अंदर विकल्प अभी भी चल रहे हैं तो कोई ना कोई सुषमा शीला दिमाग में रहती हमेशा बड़ी अच्छी लगती थी पर बात नहीं बनी ठीक है ये भी ठीक है बहुत ख्याल रखती मेरा मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहा है मैं तेरी पत्नी को पता है हाँ उसको पता ही है मैं धन्य है तेरी पत्नी फिर भी तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करे चले जा रही है। ये ये, ये कहावत जो है ना बच्चों के लिए कही जाती थी एक अगल में एक बगल में तो मन जो है ना वो हमेशा हर चीज का अगल बगल रखता आप अपने मन में झांकिए क्या ये आपके मन का सच है या नहीं जहां गुस्सा आता वहीं प्यार आता है जहां प्यार आता वहीं गुस्सा आता है तो यह मन का जाल बड़ा विकट है विपर्य विपर्य का अर्थ होता है रॉन्ग नॉलेज विपरीय मीन्स रॉन्ग नॉलेज मिथ्या ज्ञान अनट्रू नॉलेज जिसको आप अपना मित्र समझते रहे बाद में पता चला वो तो शत्रु निकला जिसको आप शत्रु समझते रहे बाद में लगा रहे तो मित्र निकला ये भी एक मिथ्या ज्ञान की बात है और उससे बड़ा संसार असत है पर यह सत लगता है यह सबसे बड़ा विपरी है हम शरीर नहीं हैं हम इंद्रिय नहीं हैं लेकिन हम अपने आप को शरीर और इंद्रिय मानते हैं ये सबसे बड़ा विपरी है दिस इज द बिगेस्ट रॉन्ग नॉलेज जिस जगत की वस्तुएं टूटने फूटने मिटने वाली हैं उनको हम सनातन मानते ये मिथ्या ज्ञान है बॉडी विल एज बॉडी विल डाई वन डे बॉडी विल डिके वन डे दिस इज अ फैक्ट बट वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दिस इज विपरीय दिस इज रॉन्ग नॉलेज दिस बॉडी इज नॉट यू शीशे में देखते हो तो कहते हो ये मैं हूं तो तुम हो नहीं देखो जब पैदा हुआ था शरीर तो डेढ़ एक किलो का था आज साठ सत्तर अस्सी सौ किलो का शरीर हो गया क्या क्या शरीर बदल नहीं गया बड़ी जोर से बदल गया आकार बदल गया शेप बदल गई फॉर्म बदल गया रंगत बदल गई वो बचपन का शरीर जिसे मैं मानते थे फिर वो जवानी का शरीर जिसे मैं मानते थे आज वो दोनों नहीं है लेकिन इसको तुम फिर भी मैं कहते हो मैं हूं शरीर तुम नहीं हो शरीर को मैं मानते हो मिथ्या ज्ञान विपरीय जो कुछ दिखता है आंखों से वो सब विनाशी है लेकिन आपका मन नहीं मानता यह विपरीत देखो बचपन में जो सहेली थी आपकी या जो दोस्त आपका तो उनके साथ घूमते फिरते उठते बैठते पढ़ते लिखते थे और लगता था इनके बगैर तुम रह ही नहीं सकते आज वो कहाँ है दोस्त आज वो कहा है सहेली पता भी नहीं फिर कितने दोस्त बने कॉलेज में मित्र बन गए बड़ा मतलब बस घी शक्कर ऐसा दोस्ती एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते आज कहा है वो पता ही नहीं कहा उनके बगैर रह नहीं सकते थे कहा आप कोई खबर भी नहीं है कि वेदर दे आर आर लाइवर नॉट्स फिर आपके संबंध में नियर फैमिली में कितने लोग जो आज नहीं हैं, उनके बगैर भी जी रहे हो पर जब वो जिन्ना थे तब लगता था इनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे सच ये है सैकड़ों रिश्ते जीवन में आए हैं और चले गए हैं और आप तो जी रहे हो डीप डाउन यू आर एब्सोलूटली नॉन अटैच्ड एब्सोल्युटली नॉन अटैच्ड मन कभी यहां प्यार लगा लेता है कभी यहां प्यार लगा लेता है कभी यहां प्यार लगा लेता है प्यार ही लगाता रहता है मन प्यार ही लगाता रहता है मन फिर वो चीज नहीं रहती फिर वो इंसान नहीं रहता तो भी जीते हो कोई किसी के साथ नहीं मरता है मां प्यारी बाप प्यारा आज नहीं है तो जी नहीं रहे हो क्या जी रहे हो कितनी चीजें डॉल्स थी खिलौने थे बैट था बॉल था बड़ा प्यारा था आज याद भी नहीं लेकिन जब तुम्हारा मन किसी चीज के साथ बंधता है तो अपने आप को उसके साथ ऐसा जोड़ देता है तो दुख पाता है। The sufferings come from the wrong knowledge. The suffering comes from the the misery comes from the wrong knowledge. If you don't have vipariya, you will have no suffering. But मन क्या है इसको एक बार फिर से राउंड अप में कर देती हूं भावना संवेदना विचार स्मृति विकल्प और विपर्य डू यू अग्री विद दिस डू यू अंडरस्टैंड दिस डू यू रिलेट विद दिस मन क्या है सबसे पहले क्या कहा बावना मन क्या है मन क्या है संवेदना संवेदना माने सेंसेशंस मन क्या है संवेदना मन है विचार मन है स्मृति मेमोरी मन है विकल्प एंटी थॉट मन है विपरीय दैट इज रॉन्ग नॉलेज सो इफ यू कंबाइन ऑल दीज सिक्स थिंग्स टुगेदर दिस विल सम अप इनटू योर माइंड और ये मन क्या है ये तीसरी परत है ये तीसरी लेयर है तुम्हारी मनोमयी कोश इस मनोमयी कोश को इतना ही मत समझना इतना ही नहीं है ये आप ये समझिए जीवन तुम नहीं मन जी रहा है मन हंसता है मन रोता है मन खुश होता है मन मोहब्बत करता है मन लड़ता है मन घृणा करता है मन दौड़ता है मन लालच करता है मन सुख लेना चाहता है मन सुख लेना चाहता है मन दुख से भागना चाहता है लेकिन तुम्हारा विपरीय तुमको हमेशा दुख के खड्डे में डाल देता योर रॉन्ग नॉलेज यू इन टू दिस एबिस ऑफ पेन तुम्हें कोई दुख नहीं देता तुम्हारा मन देता है। अच्छा भी हूं समझो मैं शरीर नहीं हूं ये बात समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम देख रहे हैं पहले बच्चा था फिर जवान था फिर शरीर बदल गया श, शकल बदल गई बच्चे वाली शकल थोड़ी रहेगी शकल बदल गई रंग ढंग बदल गया पहचान लेते बीमार हो जाए ज्यादा ना शरीर तो लोग आप ही कहने लग जाते अब तो बस चला जाना चाहिए चला जाना चाहिए कहाँ जाना ये नहीं पता पता है पूछना जो अभी कोई ऐसा बोले ना तुम जाओ किसी को हालचाल हा, हा 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 कर रहा हो मैंने छांस निकल ही नहीं रहा तो वो कह रहा है बस चले जाना चाहिए तो उसको पूछना कहां जाना है टिकट बुक कराए कहाँ बाय फ्लाइट बाय रेल बाय रोड हाउ विल यू गो एंड वेयर विल विल बी योर डेस्टिनेशन कुछ नहीं पता मेरी 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 मैं मैं, मैं का राग गा गा के तुमने जिंदगी हलकान कर रखी है है मेरी चीजें हाय मेरा पैसा है मेरा। एक, एक सर्जन मुझे कहते बड़े वो सक्सेसफुल है दुनियादारी के लिहाज से अगर कहूं तो प्रोफेशनली इज डूइंग वेरी गुड मंडे इन इन लूज वीक मोमेंट ही मी आई आई सो मच मनी दैट डोंट इवन रिमेम्बर हाउ मच मनी आई कंजूस मखी चूस इतना मैं आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव मनी जब खर्ची ना करो तो जुड़ नहीं है कभी कभी गलती से सत्संग में आ जाते हैं वो हमारे कभी कभी भूले बैठ के तो कई लोग हमारे यहाँ भूले बिसरे होते हैं वो पता नहीं कैसे कोई भूल हो जाती यहाँ आ जाते और फिर हम हम ही भूल जाते कर लो गल कैसे भूल जाते हो भाई हमें तो ये नहीं समझ लगती तुम भूल जाते हो जिन्हों बेपरवाणु देख लिया जिन्हों बे परवाणु देख लिया जिंदगी सौदा कर बैठे दिलवर तेरे मुखड़े तो अखिया हटाया नहीं जाता अब नहीं हटता लोगों का हट जाता है बार बार हट जाता है बार बार हट जाता है एक यार अगर मुर्शिद में सदगुरु में वो यार दिख जाए तो ये चंचल अनियंत्रित इनडिसिप्लिन मन मर जाता है और फिर मरा हुआ मन तो ऐसे है, जैसे कोई मरे हुए सर्प को गले में लपेट ले तो वो मरा सांप तो डस ही नहीं सकता ऐसे ही जब यह मन सदगुरु की शरण में जावे और मर जावे अभी तो जाता ही आता है जाता ही आता है जाता ही आता है अभी प्यार आया अभी चला गया अभी प्यार आया अभी चला गया अभी प्यार आया गुरु से अभी चला गया अभी तो आता जाता है लेकिन ऐसा लग जावे प्यार तो मन मर जाता है जब जा मन मर जाता है तो मन का भटकना पॉसिबल ही नहीं जब मन ही ना रहा तो भटकेगा कौन मनोमय कोष की इस विस्तार को समझने के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता पड़ेगी तो so, यही चर्चा को हम शाम को आगे बढ़ाएंगे और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इस बीच में सिटिंग्स के बीच में खुद से बैठें गंगा तट पर बैठें आंख बंद करें श्वास श्वास को देखें गहरा श्वास भीतर गहरा श्वास बाहर श्वास और श्वास को देखें शरीर को स्थिर रखते हुए आंख बंद रखते हुए लेकिन अगर आंख खोलें तो गंगा के जल को देखते रहना कितनी लहरें उठ रही हैं उतनी लहरें तेरे मन में भी उठती रहती है कभी मोह की कभी ममता की कभी लोभ की कभी क्रोध की कभी ईर्ष्या की कभी द्वेष की कभी एम्बिशंस की डिजायर्स एम्बिशंस लस्ट ग्रीड डिज आर ऑल थॉट्स डिज आर ऑल वेव्स ऑफ योर माइंड एंड यू नेवर लुक एट योर माइंड यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू योर बॉडी यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू ब्यूटिफाई हाउसेज बट यू नेवर लुक इन योर माइंड टुडे आई हैव गिवन यू फादर टू डू दैट व्हाट इज माइंड क्या है मन विचार है मन संवेदना है मन भावना है मन विकल्प है मन विपर्य है मन स्मृति है मन और मन का ये जाल इतना बड़ा फैल गया है कि तुम मन हो गए हो और तुम्हें यह नहीं पता कि तुम भावनाएं नहीं हो तुम विचार नहीं हो तुम संवेदना नहीं हो तुम स्मृति नहीं हो तुम विकल्प नहीं हो और तुम विपर्य भी नहीं हो ये सब जिस मन में घटित हो रहे हैं तुम वह मन नहीं हो तुम उस मन से अलग हो